Okay, heading banayenge ra. Defense Acquisition Council, Raksha Adhigrahan Parishad ne SP model ko swikar kiya. Raksha Adhigrahan Parishad ne Strategic Partnership, Ranitik Bhagedari model ko swikar kiya. Sun lijiye hai kya 2 minute mein ye? Ek saal se pending pada tha mudda ye. देखिए भारत सरकार चाहती है देश में हथियार बने, देश में डिफेंस के हथियार तैयार हों, इंडिजीनियस स्वदेशी टेक्नोलॉजी पे तैयार हों। इसके लिए हमने क्या किया है, आइडेंटिफाई किया है चार सेक्टर्स को। चार सेक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, वो नाम मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। हेलीकॉप्टर्स हैं, सबमरीन्स हैं, टैंक हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। अब होगा क्या, इन उपकरणों को बनाने के लिए एक ग्लोबल कंपनी को हायर करेंगे हम लोग। वैश्विक कंपनी मान लीजिए फाइटर प्लेन बनाना है तो राफेल हो सकती है, डेसॉल्ट हो सकती है, बोइंग हो सकती है, लॉकेट मार्टिन हो सकती है, उसको आमंत्रित करेंगे हम और साथ में जोड़ेंगे उसके संग एक इंडियन कंपनी को, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बोलेंगे उस कंपनी को। जैसे अभी हमने राफेल का सौदा किया तो राफेल कंपनी आएगी प्लेन बनाने, राफेल के संग जोड़ दिया हमने अनिल धीरूभाई अंबानी डिफेंस ग्रुप को, साथ में जोड़ दिया तो अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप क्या हो गया, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत का। वो फाइटर प्लेन बनाना मदद करेगा, फाइटर प्लेन बनाएगा साथ में मिलकर, किसके, राफेल के साथ मिलकर या डेसॉल्ट के साथ मिलकर। तो यहाँ पर चार सेक्टर लेंगे, चार ग्लोबल कंपनी को बुलाएंगे और चार इंडियन कंपनी को साथ जोड़ेंगे, टाइप कराएंगे। ये इंडियन चार कंपनी को हम लोग दर्जा देंगे स्ट्रेटेजिक पार्टनर का, जिससे काम सीखें उनके साथ रहकर, ये उनका एक्सपीरियंस को सीखें, उनकी टेक्नोलॉजी को समझें और भारत में बनाएं उसी प्रकार के हथियार। दोनों मिलकर, मतलब वो बोइंग कंपनी या डेसॉल्ट और अनिल अंबानी कंपनी मिलकर बनाएगी देश में फाइटर प्लेन। तो इंडिजीनियस हो गया, इंडियन कंपनी आगे बढ़ गई, इंडिया में इन्वेस्टमेंट भी हो गया, मल्टीपल प्रयास हो गए, काम हो गए एक साथ आपके। इस मॉडल का नाम है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल। स्पष्ट है मुझे, यहां पर विलन जोड़ लीजिएगा। इस मॉडल के अंतर्गत देश में रक्षा निर्माण के को बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें विदेशी कंपनियां घरेलू कंपनियों या घरेलू निजी कंपनियों के साथ मिलकर जेवी स्थापित करेंगी। वन इंडियन प्राइवेट कंपनी वुड बी सेकंड ई सेगमेंट। ये चार क्षेत्र पहचान की गई है, चार क्षेत्रों की पहचान की गई है, सबमरीन, फाइटर प्लेन, हेलीकॉप्टर और टैंक। ये है एसपी क्लियर मॉडल। एसपी का अप्रूवल मिल गया है, यानी आइडेंटिफाई होंगी कंपनियां और यहां काम होगा।